की बार मिया करता। क्या तासुरात है आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहसिन इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है एक न्यू वीडियो एक न्यू टॉपिक के साथ। आज हम DHA के इलेक्शंस में जो इवेंट किया जा रहा है उसमें मौजूद हैं। ये खिदमत ग्रुप की तरफ से एक इवेंट किया जा रहा है, आइए कुछ डीलर से भी इनके बारे में पूछते हैं कि ये क्या इवेंट है और ये क्यों किया जा रहा है, और हमारी आवाम को भी थोड़ा गाइड करें कि वो किस तरह रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और उससे पैसा कमा सकती हैं। आइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिराज अहमद और मेरा EMSN प्रॉपर्टी से मेरा ताल्लुक है। सर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है माशाल्लाह से, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं यही कहूँगा कि आई एम द पार्ट ऑफ पार्क बिजनेस ग्रुप। हमारा पार्क बिजनेस ग्रुप अल खिदमत के साथ अलहा किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मियां दादा साहब को और तमाम दोस्तों को एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। ये जो पंडाल सज गया है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इस चीज़ की गवाही है कि 18 दिसंबर को इंशाअल्लाह फतह अल खिदमत की होगी। तमाम दोस्तों का शुक्र गुजार हूँ मैं रजा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? नाम? मेरा नाम शहजादा मोहम्मद रजा है। शहजादा साहब अच्छा माशाल्लाह से इतना बड़ा इवेंट हुआ जा रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या तासुर रखते हैं आप? मेरे तासुरात जो है हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमने खुद इनसे लहा किया है। मैं प्रेजिडेंट हूँ वॉइस ऑफ रियल्टर का और हमने देखा है कि मियां तल्लत साहब के अलावा तमाम मसाइल का कोई हल नहीं है और इंशाल्लाह ताला मियां साहब कामयाब होंगे और भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। अब की बार मियां सरकार खैर करेगा खड़ा है। हाँ जी, आपकी भरपूर तालियों में हमारे इतना बड़ा माशाल्लाह से इवेंट हो रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये इतने बड़े लोगों का इकट्ठा होना DHA रियल्टर कम्युनिटी का तो ये फतह ही है और क्या है, अल खिदमत ग्रुप की फतह है। यार हमारी तमाम मैनेजमेंट के लोगों से गुजारिश है कि वो कम बैठे हुए सारे। हाँ अब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और पूरी अल खिदमत ग्रुप को बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और स्पेशली चौधरी इस मेरे साथ खड़े हैं इनके लिए क्लैप जरा सब मिलके जरा सब भाई। जैसे यहाँ पे आया हूँ मैं हमेशा जहाँ पे पाकिस्तान की तरक्की का मामला होता है वहाँ पे मैं ज़रूर जाता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे जो अल खिदमत जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ें कर रही है तो मैं भी इनके साथ हूँ इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पे आपको एक तराना सुनाना चाहता हूँ, मैं अपना कॉन्सर्ट छोड़ के आऊँ यहाँ पे सिर्फ नईम की वजह से क्योंकि इसकी ग्रुप है तो इसके लिए फिर क्लैप करें क्योंकि मैं अपना बहुत नुकसान कर गया हूँ यहाँ पर, मैं कोई पैसे पूसे ले के नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ प्यार की खातिर आया हूँ आप लोगों के। तो सब मिल के एक दफ़ा क्लैप करें मेरे साथ, पाकिस्तान का नाम जब मैं लूंगा आपने जिंदाबाद बोलना है। आर यू रेडी ऑल? चले जी भाई मनोज क्लैप करें सब मिलके जरा एक दफा। हाथ ऊपर सब क्लैप करें मेरे साथ मिलके।
अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी फैसल महमूद है। फैसल महमूद साहब, इतना बड़ा माशाल्लाह से इवेंट हो रहा है, तो आवाम को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलखिदमत ग्रुप ने आज जो पावर शो किया, अल्लाह का शुक्र है कि ये इस एसोसिएशन का, इस इलेक्शन का सबसे बड़ा पावर शो है, और अल्लाह से हमें उम्मीद करते हैं कि अलखिदमत ग्रुप जो है वो विनिंग सिचुएशन पर आएगी। सर, इससे हमारी आवाम को क्या फ़ायदा? देखिए जी, आवाम में जहाँ तक बात है कि इस कम्युनिटी में अगर हम लाहौर की बात करें डी एच ए के, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50,000 लोग हैं और उनकी फैमिलीज हैं जो इस बिज़नेस से जो जुड़े हुए हैं। तो अगर इनकी वेलफेयर होगी, इनकी हेल्थ की वेलफेयर, इनके बच्चों की फाइनेंशियल इश्यूज, इन सब पे, प्लस सबसे बड़ी बात हमारा जो बिज़नेस है उसको फ्लरिश करेंगे, तो मेरे ख्याल से कि 30-40 हज़ार अगर ख़ानदान इससे वाबस्ता हैं तो उनके लिए बेहतर होगा। सर, रियल इस्टेट अब एक प्रॉपर बिज़नेस की तरफ बनता जा रहा है, तो आप जिस तरह FBR ने टैक्स भी लगा दिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, आज की लेटेस्ट जो न्यूज़ है कि अप्रॉक्सीमेटली 300-400% जो है FBR के वो टैक्सेस वगैरह इंक्रीज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से ये है कि ये बिज़नेस जो है वो ड्रॉप होगा। अगर ड्रॉप होगा तो ऑफकोर्स इस पर सारे लोग सफ़र करेंगे। तो हम इंशाल्लाह अलखिदमत ग्रुप जो है वो इंशाल्लाह जैसे ही पावर में आएगा तो हम निगोशिएशन करेंगे गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स करेंगे, जिससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसके किसी न किसी एंड पे पहुँचेंगे, जिससे कि इस बिज़नेस को कोई हिट ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मेरा नाम जी चौधरी असद है। सर, इतना बड़ा माशाल्लाह से इवेंट हो रहा है, तो क्या तासुरात हैं आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, ये अलखिदमत ग्रुप का जमे गफीर है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज DH ने अपना फैसला सुना दिया है कि अलखिदमत ही वो ग्रुप है कि जो इंशाल्लाह विनिंग पोजीशन पे है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है माशाल्लाह से, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? सर, मैं आपको सबसे पहले समझाऊँ कि इवेंट है किस चीज़। सो बेसिकली यहाँ पे जिस तरह एसोसिएशन होती है, जितनी भी कम्यूनिटी यहाँ पर डीलर्स की, डीलर्स इन द सेंस के रियल इस्टेट एजेंट जो डिफेंस का सिर्फ काम करते हैं, सो ये बेसिकली उनकी एसोसिएशन है। हम लोग सरफराज हामिद प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं, सरफराज हामिद भी अलखिदमत का पार्ट है, तो हम लोग ये सारा होस्ट कर रहे हैं। इसमें जो हमारे मियाँ तलत साहब हैं हु इज़ रनिंग फॉर द प्रेजिडेंट, तो इसका पूरा इस तरह का एक पूरा यू नो कैबिनेट होता है, जिसमें स्पोर्ट्स, फाइनेंस, जनरल सेक्रेटरी, ईच एंड एवरीथिंग डिसाइड होती है। हमारा एक अपोजिट ग्रुप भी है, रियल्टर्स ग्रुप, ठीक है, ये अलखिदमत ग्रुप है जिसके आप इवेंट पर आए हैं। तो आप लगा लें कि डिफेंस का जितना भी सारा काम है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक्टिविटीज़, वो सारा ये जो भी प्रेसिडेंट होता है या जिसकी भी पार्टी आती है वो डिसाइड करती है। इससे आवाम को कोई फ़ायदा मिलता है? जी ऑब्वियसली, अब सिर्फ आवाम की बात नहीं, हमारे डीलर्स में, क्योंकि हम में से ही लोग आते हैं आगे, तो ऑब्वियसली जिस तरह अभी FBR टैक्स का आपने शायद सुना हो, अभी आज की खबर है, तो FBR टैक्स उन्होंने 100% कर दिया फ्रॉम 10%, तो लोगों को ये एक सबके लिए प्रॉब्लम है। हम लोग सारा उस चीज़ पे वो कर रहे हैं, अभी भी हमने यहाँ पे डिस्कस हुआ था कि प्रॉपर जिस तरह एहतजाज होता है आप रिकॉर्ड करवाते हैं सारा, वो हम इंशाल्लाह सर आवाम को, आवाम को पाक बिजनेस ग्रुप की फतह है, और ये हम लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो है अलखिदमत का साथ दें और वोट दें और इसको कामयाब करें, इंशाल्लाह हम आपके मियार के ऊपर पूरा उतरेंगे। अपने ग्रुप का मोटो भी बताएं। अपना मोटो जो है ना अलखिदमत का, जो खिदमत का मेन मोटिव है वो है तेरी खिदमत और मेरी खिदमत, कि रियल स्टेट एजेंट्स के सिलसिले में इनके मसाइल को हल करना और इनके इनकी रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट को इनक्रीज कराना, बढ़ाना और बहाल कराना, और उसके बाद टैक्सेस को एक रेंज में रखना, और इसके अलावा जनाब नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज पैदा करना। सर, आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे, मतलब वो किस तरह एक रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और वो उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं? डेफिनेट बात है जी, जो पेटेंट ब्रांड है, जो पेटेंट कंपनीज हैं, जिस तरह DHA है या इस तरह और भी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी वगैरह, या इस तरह की जो पेटेंट नेम है, मैं उन लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये एक पाकिस्तान एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, ये ग्रोइंग कंट्री है, इसमें हर चीज़ ने स्ट्रक्चर ने डेवलप होना है, और जब स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो यहाँ के आवाम भी खुशहाल होंगे और इन्वेस्टमेंट से उन्हें अच्छा फ़ायदा हासिल होगा। हमारा जो DHA में खोया वकार है, इन्होंने zameen.com के मुफ्त पैकेज लिए, इन्होंने अभी जो FBR रेट है उसमें भी आपको पता है कि 400 गुना इजाफा हुआ, उसमें भी खातर खा कोई कोशिश नहीं हो सकी है हमारी एसोसिएशन की, तो इसलिए अलखिदमत ग्रुप वो ग्रुप है कि जो डीलर्स को रिलीफ दिला सकता है। सर, हमारी आवाम को इससे क्या फ़ायदा?
देखें जी, आवाम को फ़ायदा ये है कि जब तक टैक्सेस रिवर्स नहीं होंगे, टैक्सेस कम नहीं होंगे, आम बायर प्रॉपर्टी बाय नहीं करेगा। आम आदमी के एक्सेस से प्रॉपर्टी आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आम बायर है उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए। तो इसलिए ये सिर्फ डीलर्स के लिए नहीं है, ये आम पब्लिक के लिए भी है कि अगर वो इसी तरह ही टैक्सेस लगते रहे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में रियल स्टेट का काम ख़त्म हो जाएगा। सर, रियल स्टेट अब एक बिज़नेस बनता जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि FBR ने अब ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, तो क्या ये फ्लॉप हो जाएगा? जी बिल्कुल, अगर हमने इसको बर वक्त डिफेंड ना किया और बर वक्त इस पर काम ना किया तो ऑब्वियसली इस पर सेटबैक आएगा। इसी को काउंटर करने के लिए अलखदमत ग्रुप अपने पूरे पैनल के साथ लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि ये बेसिकली जो पुरानी एसोसिएशन थी वो तो अपनी सोसाइटीज़ में, प्राइवेट सोसाइटीज़ में मगन थी, तो ये बेसिकली वो ग्रुप है कि जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करना है और इन्होंने साबित करना है कि रियल स्टेट में काम हो सकता है। देखें, जिस तरह कोरोना के बाद जो कोविड आया तो पूरे पाकिस्तान को, मुल्क को जो बचाने वाली इंडस्ट्री थी वो रियल इस्टेट इंडस्ट्री थी। तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री, आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई हुई है। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा ये चैलेंज है गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करना, और इंशाल्लाह अलखदमत ग्रुप उसको पूरा काउंटर करेगा। सर, खिदमत ग्रुप का भी नारा लगा दें, पाकिस्तान का नारा लगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, अलखदमत ग्रुप जिंदाबाद। जैसे कि आपने ये मेगा इवेंट देखा, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा भी आया होगा और दिलचस्पी भी हुई होगी। साहिर अली बका की आपने परफॉर्मेंस भी देखी होगी, कुछ डीलर्स की बातें भी सुनी होंगी, और ये खिदमत ग्रुप की तरफ से जो इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया उसमें आप लोगों को दिलचस्पी भी पेश आई होगी। इसी के साथ अपने होस्ट मोहसिन इकबाल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। इतना बड़ा माशाल्लाह से इवेंट हो रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये इतने बड़े लोगों का इकट्ठा होना, DHA रिलेटिव कम्युनिटी का, तो ये फतह ही है और क्या है, अलखिदमत ग्रुप की फतह है।